हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज जो है कोटा में, क्योंकि मुझे लोग उसका फॉर्म जमा करवाना है। और बाहर थोड़ी बिक्री विक्री से हो रहे हैं क्योंकि अभी ना के आया हूँ, और पहले कुछ खा लेते हैं, पास्ता खा के चलेंगे तो फटाफट से निकलेंगे क्योंकि मैं हो गया हूँ लेट। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज, और ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इधर ये लग रहा गेट में, सन पता नहीं दिख नहीं रहा है बराबर, अब दिखा है 1909 से 2008 वाला, और ये रही इधर बिल्डिंग। अब चलो चलते हैं अंदर, और भी मेहमान हैं, मतलब और भी आए हुए हैं, तो उनसे ही मिलते हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं आया था कॉलेज में और मैं हो गया लेट तो कुछ भी हुआ तो है नहीं, मतलब इधर से घूम लिया मैं पूरे कॉलेज में, पहले उस साइड गया फिर उसके बाद इस साइड गया। तो मार्कशीट भी लेके आया मैं और बाकी काम कल करूँगा। और ये देखो कौन कौन आया है, ये नाम बता, चंद्र प्रकाश से, ये भवानी जय, ये लाल चंद। तो आज तो नोयो काम, अब खाल चढ़ो दोबारा आवा, तो आज तो जा रही खाचो, तो फिर कल देखते हैं कल होगा नहीं होगा काम, और फोटो को भी करवानी है, वहाँ भी जो फिल्म में निकालना है, तो कल आएंगे दोबारा। तो गाइस हम आ गए JDB कॉलेज, और इधर अंदर मतलब मान्यता और आए हुए हैं, हम जा रहे हैं अंदर, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ। ये देखो इधर कैंटीन लग रही है, शायद चाय समोसा, और मैं तो आ गया था पहले भी, ये पहली बार जा रहे हैं सब। अब देखते हैं अंदर चलें, और आज तो वानी काम तो कल कराएंगे उसके काम को। गाइस ये देखो लेआउट पूरे कॉलेज का, कितना बड़ा कॉलेज है देख सकते हो आप, ये फ्लोर, ये ग्राउंड वाला ये एरिया पूरा, देखो कितने अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है, और देखो मूर्ति लगी है, ये चला। तो गाइस मैं रुका हूँ ड्राम को दिखाने के लिए, फिर फटाफट से मैं निकलूँगा ऑफिस जाने के लिए। तो गाइस कॉलेज का काम तो हुआ नहीं, और लेकिन भवानी शंकर को कपड़े लेने थे, ये देख इसको, और इसको कपड़े दिलाए, ये वाले पकड़ना, ये देख लो आप, ये वाली शर्ट है और ये वाली पैंट है, और शूज भी दिलाए हैं ब्रोस के, और इसका काम ख़त्म हो गया, मतलब इसको ख़रीदारी करनी थी हो गया ख़त्म, और ये जा रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ रूम पर, तो चलो चलते हैं, ये देख लो ये जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ रूम पर। तो गाइस मुझे भूख लग रही थी तो मैंने लिए वेफर्स, अब इनको खाते खाते चलेंगे आराम से। तो गाइस आज ही डे सेकेंड, कल मैंने ब्लॉक इसलिए एंड नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा कि पूरा काम करेंगे कॉलेज का फिर ब्लॉक को एंड करेंगे। तो आज मैं जाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन उससे पहले मैं अपने कॉलेज जा रहा हूं क्योंकि मुझे बायोमेट्रिक से काम है, और थोड़ा सा सर को भी एक सर्टिफिकेट देना है मेरा इंटरव्यू वाला, वो भी देखे आएंगे कि मैं कॉलेज जा रहा हूं। और मैं भी पहुँच चुका हूँ एयरड्रम, अब यहाँ से जाऊँगा मैं कॉलेज में जाऊँगा, और फिर यहाँ से जल्दी से फ्री होकर फिर मैं जाऊँगा गवर्नमेंट कॉलेज। वाइज मैं आ गया हूँ कॉलेज, और मैंने स्टेट लेवल की जो स्पोर्ट्स होंगे उसमें अपना वॉलेंटियर में तो नाम लिखवा दिया। देखो कॉलेज को कितना अच्छा डिज़ाइन कर दिया दिखाने के लिए, ये देखो इधर कलर वलर कर दिया, मोड़ चेक कर दिया, और इधर देखो डामर का रोड ही बना दिया, पहले कच्चा ही रोड था, देखो सब के सब बढ़िया कर दिए एक नंबर, ताकि लगे कि कोटा पॉलिटेक्निक की कोटा वाला भी कॉलेज बहुत अच्छा है। और बायोमेट्रिक भी लगवानी थी तो लाइट तो आनी थी, लेकिन अब चलते हैं, अगर आ गई हो तो बायोमेट्रिक लगाकर फिर चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो गाइस फाइनली मेरा फिंगरप्रिंट भी लग गया बायोमेट्रिक, मैडम है ना रेखा मैडम, उनके फिंगरप्रिंट नहीं लगता है काफ़ी देर तक, लास्ट टाइम भी जब आया था उस दिन भी नहीं लगा, इसलिए मैंने उस दिन नहीं लगाई बायोमेट्रिक, लेकिन आज भी बड़ी मुश्किल से लगाया, 15-20 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा, उसके बाद मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, उसके बाद पोर्टल खुला है, उसके बाद मैंने लगाया फिंगरप्रिंट, अब फिर मैं जा रहा हूँ अब कॉलेज, तो चलो चलते हैं अब। गाइस मैं आ गया कॉलेज, ये रही बिल्डिंग, और इस वाले चलेंगे अंदर,
फिर अंदर चल के फिर बाकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, तो बने रहना ब्लॉक में। इधर देखो ये छात्र संघ नेता मतलब स्टूडेंट की मदद करते हैं, जो जो आया है उसको पता नहीं है उनकी कुछ चीज़ों के बारे में। और हम चलते हैं सीधा अंदर, क्योंकि हमारा यहाँ से तो काम हो गया था कल, तो अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे तो इस साइड तो पीस मार्क करवाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रसीद लेंगे, उसके बाद आगे जाऊँगा। तो आप बने रहना ब्लॉक में, मिलता हूँ। गाइस मैंने रसीद कटवा ली है, देखो इस साइड से कटवाई है मैंने, मतलब 100 की 125 की 250 की अलग अलग कटते हैं, जिनके प्रैक्टिकल है उनकी अलग है, और ये पूछताछ वाला है। और अब जा रहा हूँ आगे, क्योंकि इधर करेंगे जमा, तो मैं बता रहा हूँ किस साइड की है जमा, तो आप बने रहना। गाइस मैंने फॉर्म जमा करवा दिए हैं और सब खिड़कियों के बाहर लिखे हुए हैं, देखो इधर, जैसे इधर चंद्र प्रकाश को आया हूँ ओनली, मैं चार फॉर्म लेके आया था, कल तो एक ही थे लेकिन आज चार हो गए। इधर रेगुलर वाले हैं, इधर नॉन रेगुलर वाले हैं, ये देखो, और इधर तीन फॉर्म जमा हुए हैं, लालचंद का, लोकुश का, और एक हो मुकेश का जिसका, और सबकी खिड़कियों के बाहर लगे हुए हैं, जहाँ पे भी जमा करवानी है। तो अगर आप आओ तो खिड़कियों के बाहर पढ़ लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछताछ कर लेना, कोई ना कोई बता ही देगा, सब देसी लोग हैं गाँव के, वो तो बता ही देते हैं, सबकी मदद करते हैं वो। तो यहाँ से तो गए फ्री, अब चलते हैं सीधा बाहर। गाइस एक चीज़ बताता हूँ, देखो हेरिटेज भवन है ये देखो, बड़ी लगी हुई है, वो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये, 1900 के आसपास का, ये देखो पुराने ज़माने के लायक बिल्डिंग। लेकिन पुराने ज़माने की बात अलग होती है, जो आर्ट है ना वो अलग ही होती है, ये देखो। तो मैं आ गया बाहर, अब मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल थोड़े दूर तक, उसके बाद वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस मैं रूम पर तो गया नहीं, और मैं इधर आ गया सब्जी मंडी का टाटर वाली साइड, थोड़ा सा काम था, और मैंने चिप्स लिए हैं, बढ़िया खाते खाते चलेंगे, तो चलते हैं। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, बहुत जल्द तक उतना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।